एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवांगी एंड आज मैं जा रही हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 3 दिन का हमारा ट्रिप है, हम मंडे वापस आएंगे, आज सैटरडे है। हम लोग निकले हैं 1 बजे, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 7 आवर्स लगेंगे अभी, तो हम 8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे। एंड देन कल हम लोग वहाँ रिजॉर्ट में स्टे करेंगे, परसों हमारी मॉर्निंग की सफारी है। सो इस वीडियो में मैं पूरा सारा कुछ कवर करने वाली हूँ कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं एंड सफाई वगैरह कैसे बुक हुई है हमारी। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, अभी मैंने लिया है ब्रेक लंच करने के लिए, तो हम यूट्यूब पे रेस्टोरेंट पर रुके हैं एंड अभी हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया है, इसके बाद हम जाएंगे कॉर्बेट। सो हम लोग आ चुके हैं जिम कॉर्बेट एंड मैं रुकी हूँ स्टर्लिंग रिजॉर्ट में, जो कि बिजरानी जोन से थोड़ा सा आगे पड़ता है एंड जंगल एरिया में पड़ता है ये। एंड काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको सुबह मॉर्निंग में बता दूंगी कि ये रिजॉर्ट कहाँ पर है एंड लोकेशन क्या है, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। एक हमें चेक पोस्ट क्रॉस करके आना होता है एंड देन पूरा जंगल एरिया है जहाँ पर हम रुके हुए हैं अभी। सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो अभी मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सो जाते हैं, डिनर वगैरह हमने कर लिया था आते ही, एंड बाकी मैं पूरा आपको इन्फॉर्मेशन इसकी सुबह में दूंगी। सो आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ एकदम नहा के अच्छे से। सो मैं आपको होटल के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये है स्टर्लिंग रिजॉर्ट, जो कि पड़ता है मरचूला जगह पर, एंड मोस्टली आपको वैसे रिजॉर्ट मिल जाएंगे वहाँ पे हाईवे की साइड भी, बट एक मोहान चेक पोस्ट जो क्रॉस करके यहाँ पे आना होता है, एंड यहाँ पे लिमिटेड रिजॉर्ट्स ही हैं। तो हम यहाँ पे रुके हैं एंड हम कल 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे एग्जैक्ट। रीज़न बीइंग क्योंकि ये थोड़ा डिसकनेक्टेड है, वो हाईवे पे है एंड सारे पास पास में है, तो हम वहाँ पे भी आज रुकेंगे एक लेमन ट्री रिजॉर्ट में, बट देन हमने सोचा कि थोड़ा सा जंगल का भी मज़ा लिया जाए, सो दैट इज़ वाई हम रात को यहाँ पे आए थे। एंड एक और होता है कि अगर आप स्टर्लिंग रिजॉर्ट में रुक रहे हो, देन यू हैव टू लाइक जो मोहान चेक पोस्ट है वो आपको 10 बजे से पहले पहले ही क्रॉस करना होता है। 10 बजे के बाद उसका हार्ड स्टॉप है, वो बंद हो जाता है, उसके बाद आप क्रॉस नहीं कर सकते। सो आपको 10 बजे से पहले ही यहाँ पे आना होगा। हम लोग काफ़ी मतलब लेट हो गए थे, तो हमें लास्ट में काफ़ी तेज़ गाड़ी चलानी पड़ी, बिकॉज हमें लग रहा था कि हम शायद मिस कर देंगे, बट हम लकीली पहुंच गए। एंड स्टर्लिंग क्योंकि हमने इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि हम स्टर्लिंग में रुके हुए हैं पहले, नैनीताल में। आपने अगर मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने स्टर्लिंग का डाला है, सो दैट इज़ वाई हमें थोड़ा था कि हाँ यहाँ पर थोड़ा अच्छा होगा, बट आई थिंक कंपेरेटिवली नैनीताल वाला वॉज बेटर। खाना वगैरह भी उसका ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर हमें लिमिटेड ऑप्शन ही मिले डिनर में। अभी ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या मिलता है, बट हाँ स्टर्लिंग के गुवाहाटी में भी है, केरला में भी है, एंड नैनीताल तो हम जा ही चुके हैं, एंड देन ये जिम कॉर्बेट। सो दिस इज़ थोड़ा सा मतलब नैनीताल से थोड़ा सा डाउनग्रेड बोलूँगी मैं, बट हाँ ओवरऑल तो ठीक है। एंड ये मैं जा रही हूँ अब रूम के बाहर। एंड ये यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए है, बैडमिंटन है यहाँ पे, आर्चरी है, देन यहाँ पर आपका जिप लाइनिंग वगैरह होती है, चार्जेबल है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है रिजॉर्ट के अंदर ही। तो ये अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं एंड यहाँ पे एक्चुअली बंदर भी काफ़ी आ जाते हैं। सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना, मैंने गेट खोला एंड इतना मोटा बंदर सामने बैठा हुआ था, तो मुझे इतना डर लग गया, बट अभी क्योंकि मोस्टली सारे गेस्ट बाहर ही आ गए ना, तो बंदर थोड़े से चले गए हैं दूर, बट क्योंकि सुबह तो कोई था नहीं ना, एंड बंदरों को तो होता है कि जहाँ पे कोई नहीं हो वहाँ पे वो पूरा अच्छे से आतंक फैलाते हैं अपना। सो सुबह काफ़ी बंदर आ गए थे। अभी भी एक ना रेस्टोरेंट के बाहर जो सिटिंग एरिया है ना, उसके बाहर एक बंदर बैठा हुआ है मोटा सा। सो बंदरों का काफ़ी यहाँ पर डर है, बट अच्छा है यहाँ पर, मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट है काफ़ी। एंड मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी,
आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, बट अभी नीचे पूरा गीला हो रहा है शायद उन्होंने कुछ तो ग्रास में पानी डाला है इसीलिए, तो अच्छा है बट यहाँ पे काफ़ी। बहुत मज़े आ रहे हैं अभी तक तो, हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा जा रहा है। यहाँ पे झूले भी हैं एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज हैं, सो काफ़ी मज़े आ रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है एंड अभी हम ऐसे ही रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा सा फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है एंड आई थिंक सबको आना चाहिए। मैं हर अपने वीडियो में बोलती हूँ वैसे ये कि आपको ट्रिप्स करते रहना चाहिए बिकॉज आपको थोड़ा मेंटल पीस भी मिलता है उससे, एक चेंज इन एनवायरमेंट होता है, आप पीसफुल जगह पे होते हो सारे शोर शराबे से इन सारी टेंशन से दूर, सो ये चीज़ करते रहनी चाहिए हमें। यहाँ से ही सफारी स्टार्ट होती है एंड यहीं पे पास में म्यूजियम है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको म्यूजियम पूरा दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है सारी चीज़ों का, ये हम लोग जहाँ पर हैं इसको द लाइफ द ट्री ऑफ लाइफ लिखा हुआ है इस पर, सो अच्छी जगह है काफ़ी है एंड बनाया भी अच्छा हुआ है क्रोकोडाइल, सो इट्स नाइस प्लेस। हमारे जैसे कल मॉर्निंग की जो सफारी थी वो कंफर्म नहीं हो पाई थी बट आज लकीली हमारी एक भैया से बात होगी, उन्होंने बोला कि आज की वो हमें सफारी करवा देंगे झिरना रेंज में, सो हम लोग फटाफट लेमन टी आए हैं अभी एंड लंच करके हम लोग आफ्टरनून की सफारी करने जा रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने फटाफट वाला लंच किया है एंड हम लोग निकल रहे हैं सफारी करने के लिए, झिरना रेंज में जा रहे हैं। पहले हम बिजरानी जा रहे थे बट अब हम झिरना जा रहे हैं, सो देखते हैं वहाँ पर टाइगर साइटिंग होती है या नहीं होती है। एंड ये है इसका एंट्री गेट जहाँ पे आईडी वगैरह चेक हो रही है, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे झिरना रेंज में ढेला होते हुए। अभी यहाँ से हम झिरना गेट में एंट्री कर रहे हैं, अभी अंदर जाएंगे और जंगल में। सो जैसे जैसे हम जंगल में और अंदर गए हमारा फाइनली सामना हुआ टस्कर से, जो कि आपको दिख रहा है। ये बहुत ही डेंजरस भी लग रहा था हमें बट इसको देख के हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि हमने एलिफेंट्स मोस्टली जू में देखे हैं या फिर टीवी पे देखे हैं बट जंगल का एलिफेंट देखना एंड दैट टू जो अकेला हाथी होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सो काफ़ी देर तक हमने इन्जॉय किया इसको देख कर एंड जो हमारे सफारी वाले भैया थे वो बता रहे थे कि ये जो टस्कर है ये
अपने ग्रुप से बाहर निकाला हुआ है, बिकॉज इसके जो और फैमिली है और इसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये इसको अपने साथ नहीं रखते, क्योंकि ये बच्चों को जो एलिफेंट के बच्चे होते हैं उनको परेशान करता है, उनको मारता है, एंड इसलिए ये अकेला घूम रहा है। हमारा मन ही नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है बस इसको देखते रहे, बट थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा भी पास आ गया है और इसने हमें अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। बट हाँ, हम इसको दूर से देख रहे हैं चुपचाप एकदम, कोई आवाज़ नहीं कर रहे, नहीं तो इसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। एंड आगे जाके सफारी में मुझे ये डियर्स भी देखने को मिले थे। ये काफ़ी सुंदर होते हैं एक्चुअली डियर्स, भोले भाली शक्ल होती है इनके, बहुत प्यारे लगते हैं। सो गाइस, अब मेरा ये सफारी ख़त्म हो रही है एंड अब हम जाएंगे बैक टू आर होटल। लेमन ट्री होटल में रुक रहे हैं आज, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है हमारा जिम कॉर्बेट ट्रिप का डे टू एंड हम लोग रुके हैं लेमन ट्री रिजॉर्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तो तुम स्टर्लिंग में थी, आज तुम लेमन ट्री में आ गई, ये क्या चल रहा है। सो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। सो हम लोग जब रिजॉर्ट्स वगैरह देख रहे थे, हमें आइडियली पसंद लेमन ट्री ही आया था, बट देन हमें स्टर्लिंग भी दिखा एंड उसका लोकेशन वगैरह काफ़ी अच्छा था एंड हम स्टर्लिंग नैनीताल में रुके हुए ऑलरेडी, तो वहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई सेट थी क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी सही था नैनीताल में। बट यहाँ का स्टर्लिंग थोड़ा सा उस वाले स्टर्लिंग से डाउनग्रेड है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, एंड खाने में भी इतना आइटम्स अवेलेबल नहीं थे। सो उस टाइम इसलिए हमने सोचा कि चलो एक दिन स्टर्लिंग में रुक लेंगे एंड एक दिन लेमन ट्री में रुक लेंगे। बट स्टर्लिंग आई थिंक आपको स्किप ही कर देना चाहिए जिम कॉर्बेट का, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं, नॉर्मल है बट इट्स नॉट वेरी गुड। एंड लेमन ट्री जहाँ पे हम रुके अभी, दिस इज़ वेरी गुड, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रूम मिला है हमें एंड बाहर का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मेरी कॉफी बन चुकी है, थोड़ा सा मैं बाहर बैठ के नेचर एंजॉय करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और थोड़ा बहुत सराउंडिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं करने। अब मुझे लग रहा है ना कि कल हमें यहीं रुकना चाहिए था क्योंकि ये काफी अच्छा है एंड अभी क्योंकि कल बारिश भी हुई है ना, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा सा। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए एंड पूल तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखोगे आप पूरा पूल साइड का एरिया है एंड ऊपर माउंटेन्स है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड इसी रिजॉर्ट से कनेक्टेड ना ये स्टेयर्स कनेक्ट कर रही है हमको, ये रिवर से, ये बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे भी था ये स्टर्लिंग में, बट वहाँ पे थोड़ा दूर था, बट यहाँ पे एकदम जैसे मैं बस यहाँ से आई हूँ एंड देन ये आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी स्टेयर्स, इट्स लाइक अ बाउंड्री ओनली, रिवर पूरा दिख रहा है यहाँ से। एंड ये हम आ चुके हैं रिवर के और पास एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सही था हमारा डिसीजन यहाँ पे आना कि हमें पास में ही रिवर मिल गई, सिर्फ नीचे उतर के आना था हमें सीढ़ियों से एंड रिवर आ गई थी हमारी, सो काफ़ी सही है ये। Thank you.
तो गाइज ये था मेरा पूरा जिम कॉर्बेट का ट्रिप एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे इसमें। सफारी करने में भी बहुत मज़ा आया। लकीली सफारी हमें अच्छी जगह मिल गई तो हमें कुछ दिखा नहीं, सिर्फ एलिफेंट दिखा। बट एलिफेंट दिखना भी बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज मोस्टली किसी किसी सफारी में वो भी नहीं दिखा। बट अच्छा था ओवरऑल ट्रिप हमारा, काफ़ी मज़े आए हमें एंड आई होप आपको वीडियो देखने में भी बहुत मज़े आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड थैंक यू सो मच।